जो झरने हैं, नदियां हैं, उनमें खूब सारा पानी आ रहा है। बाकी इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस माहौल को देख के रुद्रनाथ यात्रा की यादें ताजा होगी। शॉर्टकट रास्तों से जाना भी बिल्कुल मना है। पत्थर गिरे हुए हैं तो बड़ा खतरा है यहाँ। बाकी ये है इनकी नई हिमालयन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10 बज रहे हैं और धीरे धीरे उत्तराखंड में मॉनसून अपनी दस्तक दे रहा है। रात को अच्छी खासी बारिश हो रही है और थंडरिंग भी हो जा रही है, जिस वजह से आज पहाड़ों पे खूब सारे बादल लगे हुए हैं। आज हमारी तैयारी है चोपता वैली की ओर जाने की, तो चलिए आज के इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत करते हैं। और आज के हमारे सफर के साथी भी आ चुके हैं, कूल पहाड़ी दीपक बिष्ट और आरटीके ब्लॉग्स हर हर महादेव। तो करते हैं आज की ट्रिप की शुरुआत मनसुना मार्केट से। तो अभी हमें भारत सेवा आश्रम मोड़ पे और यहाँ से चोपता है मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पे, और मध्य महेश्वर मंदिर जहाँ से हम आ रहे हैं वो है मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पे। और ज्यादातर लोग इसी रूट का यूज करते हैं केदारनाथ धाम से श्री बद्रीनाथ धाम की ओर जाने के लिए। और सामने चोपता की ओर तो फुल बादल लगे हुए हैं, मतलब कि हम आज बादलों के बीच ट्रैक करने वाले हैं। बधाई हो नई बाइक की। तो सुजान भाई यहाँ से हमारे साथ इस राइड पे आएंगे। बाकी ये है इनकी नई हिमालयन। आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुँचे हैं मस्तूरा में। बाकी बारिश लगने की वजह से ना जो झरने हैं, नदियाँ हैं, उनमें खूब सारा पानी आ रहा है और जो पहाड़ों के रंग है ना बहुत ही निखर के आ चुके हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लगभग आधे घंटे रुके और यहाँ पे सुजान भाई का है, रहने खाने की यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। तो ठीक है भाई, वो मिल लो था। बाय बाय छोटे बच्चों, बाय बाय। तीन बाइक हैं और पांच दोस्त हैं, तो निकल पड़ते हैं इस खूबसूरत से आगे के सफर पे। अब यहाँ से लेफ्ट का रास्ता जो ऊपर को जा रहा है सारी गाँव के लिए, वहीं से देवरिया ताल का ट्रैक भी है। चोपता वैली का ये सफर घने घने जंगल, खूबसूरत बुग्याल जिनमें की नदी झरने आजकल आपके स्वागत में बैठे हुए हर जगह पे, और बिल्कुल शांत सा माहौल है। और जैसे जैसे ऊपर को बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है। अब देखिए जी, बारिश की वजह से जगह जगह पे ऐसे पत्थर गिरे हुए हैं तो बड़ा खतरा है, यहाँ किसी भी टाइम पत्थर गिर सकते हैं। नदियों में देखिए खूब सारा पानी आया हुआ है कल की बारिश से। तोखीमठ से करीब 30 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं चोपता मार्केट में, और यहां से स्टार्ट होता है मंदिर जाने का पैदल रास्ता। ये वाला ट्रैक है लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास, और यहां से आपको घोड़े खच्चर भी मिल जाएंगे। अभी रास्ते के दोनों ओर खूब सारे बुरांस के पेड़ हैं, और जब यहाँ बुरांस का सीजन रहता है तो यहाँ के नज़ारे तो बड़े गजब के हो जाते हैं उस टाइम पे। यहाँ चोपता से आपको घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी मिल जाएगी ट्रैक को करने के लिए, जिसका चार्ज है अप डाउन का 1300 रुपये मात्र। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे घास का बड़ा सा मैदान दिखाई दिया है, लेकिन यहाँ बोर्ड लगे हैं फॉरेस्ट वालों के कि इनमें जाना सख्त मना है। और कई जगहों पे शॉर्टकट रास्ते भी हैं, लेकिन उसके लिए भी बोर्ड लगा है कि शॉर्टकट रास्तों से जाना भी बिल्कुल मना है, इससे क्या होगा बुग्याल खराब होते हैं। और इन खूबसूरत घास के मैदानों के बीच में देखिए लोगों के मरुड़ा हैं जिनमें कि गाय भैंस बैल वगैरह पाले रहते हैं इनके। और आजकल नीचे गाँव से लगभग लगभग सभी के जो मवेशी हैं वो इन्हीं बुग्यालों में चरने के लिए आते हैं अगले 2-4 महीने तक, क्योंकि आजकल चारों ओर प्यारी सी हरी घास उगी हुई है। अब जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ रहे हैं कोहरा भी बढ़ता जा रहा है और ठंड भी बढ़ती जाएगी, और यहाँ भरोसा नहीं कब बारिश लग जाए, तो हर चीज़ के लिए तैयार रहें। तो इस रास्ते पे आपको ऐसे पहाड़ी डस्टबिन मिल जाएंगे जो कि मलखुनी है रखी हुई, इसमें आप कचरा वगैरह डाल सकते हैं। पूरे रास्ते भर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोर्ड लगाए हैं कि बुग्यालों के शॉर्टकट रास्ते न चलें, क्योंकि बुग्यालों का उपचार किया गया है, मतलब कि इनका ट्रीटमेंट चल रहा है कि अच्छी घास हो जाए इनमें, फिर भी लोग चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है। देखिए जी, यहाँ से जो बड़े बड़े पेड़ हैं समाप्त होते जा रहे हैं और बुग्याल वाला एरिया स्टार्ट हो गया है, घास के बड़े बड़े से मैदान शुरू हो गए यहाँ से।
तब ये ठीक सामने यहाँ पे है भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर, और ऊपर जो ये चोटी है यही है चंद्रशिला की चोटी। और जो ये छोटे छोटे पौधे हैं ये हैं बुरांस के, जिनको कि हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में सेमरू बोलते हैं। तो चले जी मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं, यहाँ से प्रसाद वगैरह रख दिया है। बाकी यहाँ पे हमारे भैजी मिले हैं फापंज गांव के, मिलते हैं जल्दी हैं। तो चलिए जी उत्तराखंड के पंच केदारों में से तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी के मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। बाकी तुंगनाथ भगवान जी का मंदिर सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है, जो कि है लगभग 12,075 फीट के आसपास। तुंगनाथ जिनके की नाम में ही उनका मतलब छिपा हुआ है, तुंग मतलब शिखर, नाथ मतलब स्वामी, मतलब शिखर के राजा, शिखर के स्वामी। बाकी यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी के हृदय भाग और भुजाओं की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के दूसरी साइड यहाँ पे भूतनाथ महाराज जी का मंदिर भी है, और यहीं पास में एक छोटा सा मंदिर है वन देवी देवताओं का। और चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ पे ना बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ आके एक फील आता है कि हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे हैं, बादल हमसे नीचे हैं, आसपास के सारे पहाड़ हमसे नीचे हैं। मंदिर के गेट पे यहाँ पे उत्तराखंड के पंच केदारों की फोटोज लगाई गई हैं, और इस साल हमारी तीन केदारों की यात्रा पूरी हो चुकी है, बस अब रुद्रनाथ जी और कल्पेश्वरनाथ जी बचे हुए हैं। चारों ओर के नज़ारे तो बड़े खूबसूरत से हैं, लेकिन सुबह से पेट पूजा नहीं की है। एक बार पेट पूजा करते हैं, उसके बाद चंद्रशिला की चोटी तक चढ़ेंगे आज। अगर आप लोग तुंगनाथ भगवान जी के मंदिर के आसपास रुकना चाहते हैं तो यहाँ भी रुकने की पूरी व्यवस्थाएं हैं, रहने खाने की कोई कमी नहीं होने वाली है। बाकी रहने का जो किराया है उस यात्रा सीजन के हिसाब से अप डाउन होता रहता है, 1,000-1,200 रुपये मान के चलिए, आराम से डबल बेड वाला कमरा तो मिल ही जाएगा। पेट पूजा करने के बाद अब निकल पड़ते हैं चंद्रशिला की चोटी पर। अभी हमको आगे इस रास्ते पे बढ़ना है और इस चोटी पे यहाँ ऊपर तक जाना है। इस माहौल को देख के रुद्रनाथ यात्रा की यादें ताजा होगी, उस दिन भी सेम ऐसे ही अचानक से कोहरा आ रहा था और हरे हरे से बुग्याल थे। आगे को बढ़ने वाली हर एक एक सीढ़ी मानो एहसास दिलाती है कि हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। मैं कई बार चोपता तुंगनाथ आ चुका हूं, लेकिन यहां हर बार के नज़ारे मुझे कुछ अलग ही दिखते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक नीचे पे देखिए बहुत सारे हिमालयन थार दिखाई दे रहे हैं, मस्त में से चल रहे हैं। ये देखिए जी इतनी चोटी पर कोई आया और यहाँ पर रेड बुल पी और यहीं पे छोड़ दी कैन, और पूरे रास्ते भर में बहुत जगहों पे प्लास्टिक ऐसे ही छोड़ा हुआ है। इतनी हाइट पे आके अगर आप ऐसे काम करते हैं तो फिर यहाँ आके आपका कोई भी फायदा नहीं है, मतलब आप नेचर जिसको देखने के लिए यहाँ आए हैं उसको गंदा करके जा रहे हैं। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, जब भी ऐसे जगहों पर आएँ आपके साथ जो भी कचरा होता है उसको अपने साथ वापसी ले जाएं। यहां से मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं लगभग 4000 मीटर की हाइट पे चंद्रशिला की चोटी पे। बाकी इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और मुझे पता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बस इतना बता दूं, ये पितृ देवताओं का मंदिर है। हम लोग तो यहाँ पे बहुत बार आते रहते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार आते हैं ना उनका अनुभव जानते हैं कैसा रहता है। ये भैया जी आप लोग कहाँ से? मैं तो राजस्थान से हूँ, जोधपुर से। अच्छा, कैसा लगा? आपका पहली बार है ना यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, एक्सपेक्टेशन के भी बहुत ऊपर है ये तो। अच्छा, इतनी ठंड आपने कभी देखी? इतनी ठंड नहीं देखी। अच्छा, बढ़िया मौसम है, ऊपर से पतला कपड़ा पहन लिया हूँ तो हालत टाइट है, थोड़े हाथ ठंडे हो रहे, पर कृपा है भगवान की के कुछ नहीं हो रहा ऐसा। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं अपनी। चलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, बाकी आप लोग सनसेट के ये खूबसूरत नज़ारे एंजॉय कीजिए जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ चंद्रशिला की चोटी पर भी पानी की बोतल ऐसे डाली हुई है, और यहाँ पे जो ये बड़े बड़े पत्थरों के घर जैसे बनाए हैं, इनको कोई मन्नत के घर बोलता है, कोई पितरों के उद्धार के लिए इनको रखते हैं।
बाकी यहाँ पे किसी ने ऐसे लिखा हुआ है, ये सबसे गलत बात है। इस चंद्रशिला की चोटी की बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहते हैं यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी तपस्या करी अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए, और दूसरा ये कि चंद्रमा ने भी यहाँ पे तपस्या करी थी अपने क्षय रोग से मुक्ति पाने के लिए। यहाँ पे लगभग हम एक घंटा रुके और सनसेट की लालिमा तो नहीं दिखाई दी क्योंकि चारों ओर पूरा कोहरा छा गया था। बाकी यहाँ पे जैसे ही सनसेट होता है सीधा अंधेरा हो जाता है कुछ ही मिनटों में। हम लोग अभी वापसी जा रहे हैं और कुछ लोग अभी चढ़ाई को चढ़ रहे हैं ऊपर। रास्ते में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए कुछ मवेशी दिखाई दिए हैं और ये गाँव वालों के मवेशी हैं। पर इनका एक सीन रहता है, अगर ये गाँव में ही रहेंगे आजकल ना तो ये रह नहीं पाते हैं, मतलब इधर उधर दौड़ते भागते हैं, इनका मन सिर्फ बुग्यालों में ही लगता है। फाइनली चंद्रशिला की चोटी से एक घंटे का सफर तय करने के बाद अभी पहुंचे हैं चोपता मार्केट में। बाकी यहाँ पे देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यात्रियों की। अब बस यहाँ से निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर पे। और यहाँ चोपता के आसपास ना बहुत घना सा कोहरा लगता है जिससे विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। ऐसे में डर है मवेशियों का, कोई मवेशी अगर रोड पे खड़े होंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए जी बाहर हो गई है बारिश शुरू और यहाँ पे हम डिनर करने के लिए रुके हुए हैं। रात के करीब 10 बजने वाले हैं। आज का हमारा नाइट स्टे होने वाला है मस्तूरा में, बाकी देखते हैं कल क्या क्या हो पाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।